नमस्कार, कांडल की आवाज डिजिटल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम प्रतापगढ़ विधायक रामलाल मीणा के साथ में हैं, जिन्होंने प्रतापगढ़ में भाजपा के 30 साल के राज को खत्म करके और कांग्रेस का यहां पर परचम फहराया। कांग्रेस सरकार ने भी इनके जो काम हुए हैं उनको देखा और इन्होंने जिस तरह से काम किया है उसके बाद में यहाँ पर जनता पर जो प्रभाव पड़ा है उसके बाद में कांग्रेस आलाकमान ने इनके ऊपर दोबारा भरोसा जताया है। आज हमारी खास बातचीत है और हमारी इनकी व्यस्तताओं के बीच में हम इनसे बातचीत करने पहुंचे हैं। तो सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से कांग्रेस ने आपके ऊपर भरोसा जताया है उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखो, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब मेरी पूरी कार्यशैली से वाकिफ हैं और कांग्रेस हाईकमान को पूरा विश्वास है कि रामलाल मीणा ने 5 साल में अच्छे काम किए हैं, सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाया है, इसलिए उन्होंने मुझ पर विश्वास करते हुए टिकट दिया है। उनको ये भी विश्वास है कि रामलाल मीणा भारी मतों से जीत के आएगा। तो टिकट आपको मिल चुका है और आप पूरी तरह से तैयारी में लगे हुए हैं, पूरी रणनीति बना चुके हैं। अभी देखा जाए तो 28 दिन और बचे हैं चुनाव को, क्या कुछ आगे रहने वाला है और किस तरह से आप जो प्रतापगढ़ का ये जो किला है ये दूसरी बार फतेह करने की योजना बना रहे हैं? देखो, ऐसा है, पिछले कई वर्षों से यहाँ भारतीय जनता पार्टी का MLA था और विकास नाम की कोई चीज़ नहीं थी। यहाँ सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम के दंगे करा के वोट दिए जाते थे, विरोधी और फायरिंग से लोग परेशान थे। आज हिंदू मुस्लिम के दंगे बंद हो गए, फिरौती और फायरिंग को ख़त्म कर दिया जड़ से, और आए दिन जो हिंदू मुस्लिम में दंगे होने से बाजार बंद होते थे, मेरे 5 साल के कार्यकाल में हिंदू मुस्लिम के दंगों में से एक भी बार प्रतापगढ़ बंद नहीं रहा। प्रतापगढ़ की जनता शांति से जीवन यापन कर रही है। तो निश्चित रूप से जो काम ये हुआ है, पहले क्या था, फिरौती भारतीय जनता पार्टी के नेता फिरौती में मिले हुए थे, वो कहते थे कि आज सेठ के पास इतने पैसे हो गए तो लेके आ जा, उसमें आधा मुझे दे दे और आधा सब मिलके बांट खाते हैं। इस वजह से फिरौती और फायरिंग की घटनाएं बराबर बढ़ रही थी। मैंने आते ही अपराधियों के ऊपर नकल कसने का काम किया, उनको निस्तनाबूद करने का काम किया। आज प्रतापगढ़ के अंदर फिरौती फायरिंग की घटना बिल्कुल रूप से बंद हो गई। आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई की तरह रह रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई हिंदू मुस्लिम के दंगे नहीं हुए। और पहले तो हिंदू मुस्लिम तो ठीक है, कहीं वर्ग संघर्ष भी हो जाया करते थे, इसलिए प्रतापगढ़ की जनता आराम से शांतिप्रिय जीवन जी रही है और उसको प्रतापगढ़ का विकास अब रास आ चुका है। पहले कभी उन्होंने विकास देखा नहीं। आज आप देख लो, प्रतापगढ़ के अंदर 1977 के अंदर एक कॉलेज खुला था, धनलाल जी मीणा के आने के बाद में उन्होंने एक भी कॉलेज प्रतापगढ़ के अंदर नहीं खोला। मैंने आते ही बालिकाओं को मद्देनजर रखते हुए कन्या महाविद्यालय खोला और उसी कन्या महाविद्यालय को इन 5 सालों के अंदर ही कर्मोन्नत भी कर दिया PG के अंदर। फिर पीपलखुंड के अंदर सुहागपुरा था, पीपलखुंड के अंदर महाविद्यालय खोला। दलौट के अंदर जो सबसे सुदूर क्षेत्र के अंदर आता है वहाँ के अंदर वहाँ महाविद्यालय खोला, नर्सिंग महाविद्यालय खोला, कृषि महाविद्यालय खोला, संस्कृत महाविद्यालय खोला। 7-7 कॉलेज प्रतापगढ़ के अंदर मैंने स्वीकृत करा दिए। आपने देखा होगा मेडिकल कॉलेज केंद्र सरकार के बिना मदद से नहीं खुलता है। मैंने 3 बार केंद्र सरकार को लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी और चिकित्सा मंत्री के मार्फत से प्रस्ताव भिजवाए, लेकिन केंद्र सरकार ने यह कह करके मना कर दिया, प्रतापगढ़ तो आदिवासी जिला, छोटा जिला, यहाँ मेडिकल कॉलेज का कोई औचित्य नहीं है। फिर भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बराबर लगा रहा और माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया तो मुख्यमंत्री जी ने 350 करोड़ रुपये का लोन लेकर राज्य मद से प्रतापगढ़ के अंदर मेडिकल कॉलेज खोला। ये प्रतापगढ़ की जनता के लिए बड़े गर्व की बात है। तो ये तो वो विकास कार्य हुए हैं जो आपने गिनाए। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसे कौन से काम बाकी रह गए हैं जो आप इस शासन, इस 5 वर्ष के शासन में नहीं कर पाए, जो आगामी आपकी योजना है? देखो, प्रतापगढ़ 4 लाइन रोड से आज भी जुड़ा हुआ नहीं, जबकि यहाँ 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और वो सांसद अभी प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उसके बावजूद भी प्रतापगढ़ के अंदर 4 लाइन रोड नहीं हुआ। मेरा तो आने वाले 5 साल के अंदर मंदसौर से प्रतापगढ़ होते हुए, दरियावाद होते हुए अहमदाबाद वाला जो रोड है इसको 4 लाइन करना, चित्तौड़ से प्रतापगढ़ होते हुए बांसवाड़ा का रोड है इसको 4 लाइन करना, और उसके बाद में जो और छोटे छोटे जो रोड रह गए गाँव ग्रामीण क्षेत्र के अंदर उनको भी करना। आज आपने देखा होगा इन 2 साल कोरोना का आया, 3 साल के अंदर हमने 16 स्टेट हाईवे पर काम किया। गोतमेश्वर के अंदर विकास आज तक हुआ नहीं, जो हमने गोतमेश्वर के अंदर इतना विकास किया। इस बार जो ये जो सोमवती अमावस्या थी उस दिन इतनी वहाँ संख्या थी कि जो आज तक कभी वहाँ इतने इकट्ठे नहीं हुए, क्यों, विकास को देखे वहाँ लकुज वाटी का काम चल रहा है, हरदोस गोतमेश्वर को 4 लाइन रोड का काम किया। आप देख लो रोकड़े हनुमान जी 4 लाइन रोड का काम चल रहा है। आज कलेक्ट्री रोड को जिसके ऊपर अपन चल रहे हैं उसकी देख लो, पहले कलेक्टर SP के कमर टूट जाती थी आते आते उनके 1-2 किलोमीटर सड़क चलने में, आज कलेक्ट्री रोड भी शानदार बन गया। दरियावाद रोड जिससे अपन अभी गुजरे हैं,
दरिया रोड में जहाँ पहले गड्ढे ही गड्ढे थे आज वो कंप्लीट हो गया। प्रतापगढ़ मंसर रोड कंप्लीट है, प्रतापगढ़ पिपला रोड कंप्लीट है। ग्रामीण क्षेत्र के रोड जो दो साल कोरोना आने की वजह से थोड़े लेट प्रारंभ हुए और दो महीने ठेकेदार में हड़ताल की वजह से इस बजट के काम अभी रफ्तार पकड़ी है। निश्चित रूप से हरनौत दलोड के जो भी रोड बाकी रह गए सारे रोडों में काम चल रहे हैं और कई रोडों में काम चलने बाकी है तो चालू हो जाएंगे, कहीं कोई काम में दिक्कत आएगी नहीं। तो ये सड़कों के जो काम हुए हैं ये विकास आपने गिनाए हैं, पर भाजपा लगातार आपके ऊपर भ्रष्टाचार के जो आरोप लगा रही है कि आपने जो विकास किए हैं उसमें आपने काफी पैमाने पर भ्रष्टाचार किया, इस बात में क्या कहना चाहेंगे? देखो भ्रष्टाचार जो मैंने पहले कहा जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने भ्रष्ट थे। ये सरकारी काम तो ठीक है, सेठ लोग जो पैसा इकट्ठा करते थे धंधा व्यापार करके उनसे फिरौती लेकर के आधा पैसा लेते थे तो ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। आज NDPS एक्ट के अंदर आप देख लो, NDPS एक्ट के अंदर अफीम हमारे यहाँ किसानों के पास सबके पास है, ये जानबूझ करके एक आदमी को पकड़ते पूरे गांव से 10-10 लाख रुपए की वसूली करते हैं और आधे पैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग खा जाते थे, ये भ्रष्टाचार है और ये कोई और भ्रष्टाचार है। आज प्रतापगढ़ में देख लो ट्रैफिक पुलिस पहले गांधी चौराहे पे 500-500 रुपए लेके गाड़ियाँ छोड़ते थे, आज पैसे लिए नहीं जा रहे। आज DP लेने के लिए DP जल जाती थी, 3,000-5,000 रुपए दलालों को देने के बाद में DP मिलती थी, आज फ्री में DP मिल रही है और 48 घंटे के अंदर हम DP जली हुई DP दे रहे हैं। तो आज भ्रष्टाचार हुआ कहाँ है? भ्रष्टाचार तो खत्म करने का काम हमने किया है, हर जगह हर डिपार्टमेंट के अंदर जो भ्रष्टाचार हो रहा था उसको हमने कम से कम खत्म करने बिल्कुल खत्म करने का काम किया है। इसलिए ये इनका जो आरोप है ये जो इन्होंने कर रखा है वो उसके अब तक मरोड़े चल रहे हैं, इसलिए ये कह रहे हैं। बाकी इन्होंने इतना भ्रष्टाचार फिरौती फायरिंग के अंदर करके और लोगों को लूटा मारने का काम किया, ये प्रतापगढ़ जनता से जान से खेलते थे, जान से खेलते थे, लोगों को आए दिन मरवाते रहते थे। ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, NDPA एक्ट में लोग बर्बाद हो गए। धारा 29 के रूप में कितने गांवों से एक केस होता था 1-1 करोड़ रुपए तक वसूल कर दिए जाते थे, जो आज पुलिस ईमानदारी से काम कर रही है, सारे डिपार्टमेंट ईमानदारी से कर रहे हैं, तो इसलिए भ्रष्टाचार हुआ कहाँ? आप डॉक्टरों को देख लो, पहले आपके डिलीवरी को सिर्फ हाथ देखते के महिलाओं कहते थे बच्चा उल्टा है इसको रेफर कर दिया जाए, और फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में डिलीवरी होती थी और क्या स्थिति बनती थी। आज 99.99% डिलीवरी जिला चिकित्सालय के अंदर हो रही है, मेरी माताएं बहनें आज संतुष्ट है मेरे से। इसलिए आज डिलीवरी क्रिटिकल केयर वार्ड आप देख लो कितनी बड़ी सौगात है प्रतापगढ़ के लिए, जो राजस्थान के 3 जिलों में बन रहा है, एक तो मुख्यमंत्री जी के जोधपुर जिले में, एक चिकित्सा मंत्री जी के लिए दौसा जिले में, और तीसरा प्रतापगढ़ की जनता के लिए प्रतापगढ़ के अंदर बन रहा है, जिसमें 8-10 जिले के जो सीरियस से सीरियस मरीज होंगे वो प्रतापगढ़ के क्रिटिकल केयर वार्ड में आके बढ़ते होंगे। पहले प्रतापगढ़ में कहीं डॉक्टर देखने को नहीं मिलते थे क्योंकि नंदलाल जी गाली देते थे भाग जाते थे, लेकिन आज एक भी PSC CSC और जिला चिकित्सालय में पोस्ट खाली नहीं, ना GNA भी पोस्ट खाली है ना डॉक्टर भी पोस्ट खाली है। तो इसलिए विकास हर मामले में हुए, ये विकास से बौखला गए हैं इसलिए ये निराधार आरोप लगा रहे हैं। अच्छा, तो जैसा कि आपने पिछले चुनाव में आपका कई बार यहाँ पे वायरल भी होता है, भाजपा वाले भी कहते हैं कि आपने 8वीं पास को नौकरी देने का वादा किया था, क्या वो वादा खिलाफी नहीं है? 8वीं पास देने का वादा किसने किया था? लोग कहते हैं कि आपने किया था, एक वीडियो मेरा बता दे, ये तो बेवकूफी भरे बयान है जो दे रहे हैं। मैं बता रहा हूँ 8वीं पास का वादा हमने नहीं किया था, ना हमारा कोई पेम्पलेट है उसमें लिखा हुआ है, लेकिन बात यह है कि मैंने ये कहा था कि यहाँ हर जगह पोस्टें इतनी खाली है, जैसे स्कूलों के अंदर 4th क्लास की पोस्टें खाली है वो 8वीं पास से ऊपर के ही लगेंगे, ऐसे कई जगह पोस्टें खाली है, कलेक्ट्री के अंदर पोस्टें खाली है, तो मैंने कहा कि वो लड़के भी लग जाएंगे। लेकिन आज हमने कॉलेज इतने खोल दिए, शिक्षा स्तर 7 कॉलेज खोलना कोई मामूली बात थोड़ी सर, इसलिए 7 कॉलेज खोले। आज पीजी कॉलेज के अंदर भी पहले 12,000 रुपये देके फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर MSc करनी पड़ती थी, जो आज हमने निःशुल्क करा दी है। इसलिए इनकी जो बातें हैं ये सब गड़ी मनगढ़ंत बातें हैं, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं, इनका जनाधार खिसक चुका है। अब वो नंदलाल जी मीणा के टाइम का जो देखने जाएं, वो नंदलाल जी मीणा जब तक सक्रिय थे तब तक था, आज कुछ भी नहीं रहा। तो इनका कहना है कि ये जो वायरल चीज़ें हैं ये पूरी तरह से इन्होंने सिरे से खारिज किए। मेरा एक सवाल हो रहा है कि आपके 5 साल के शासन में प्रतापगढ़ में कोई उद्योग नहीं खोला गया, इसको लेकर कहाँ कमी रही है और इसको लेकर आगे क्या प्रयास किए जाएंगे? हमने 100 से 150 बीघा जमीन फूड पार्क के लिए आवंटित करा दी, हमने रिको को डेवलपमेंट करने का काम किया, हर जगह रिको के लिए जमीन आवंटित हमने कराई। और आप सबको बताया 2 साल कोरोना के अंदर रहा, कोरोना के अंदर भी मैंने हर एक बैंक डीसी को राशन डीलर को हमने घर जाकर चेक किया ताकि लोगों को पैसा जो सरकार माननीय मुख्यमंत्री डाल रहे हैं उनके खाते में जाना चाहिए और उनको राशन सामग्री वगैरह मिलनी चाहिए। मैंने कई गरीब जा लोगों के पास खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी, वहाँ राशन सामग्री पहुँचाने का काम किया। आपने मेरे पूड़ियाँ तलते हुए वीडियो भी देखे होंगे, जो मजदूर जो मोदी जी ने भगा दिए थे
हम गाड़ियाँ भर भर के लेके आए, उनके खाने की व्यवस्था करें, उनके साधन की व्यवस्था करें। और पहला ऐसा नेता होगा जो पीपी किट पहन करके डॉक्टरों को हौसला अफजाई करने के लिए एक एक वार्ड में एक एक मरीज से जाकर दो दो तीन तीन चार चार बार मिला है। और प्रतापगढ़ एक ऐसा जिला जहाँ ऑक्सीजन बेडों की कमी नहीं हुई, मध्य प्रदेश के गुजरात के लोगों ने आके भी यहाँ पे इलाज कराया है। हमने ये सुविधा कर दी जहाँ मरीज खराब पड़ा है वहाँ ही रेगुलेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर लगा करके उसको ऑक्सीजन की व्यवस्था करने का काम मिल गया। रेमडेसिविर इंजेक्शन की एक भी हमारे यहाँ कालाबाजारी नहीं हुई, ये हम सबके लिए मेरे लिए गर्व की बात है। तो आपने काफी अच्छे काम कराए हैं और काफी अच्छे अपने विकास कार्य कराए हैं उनको गिनाया है, परंतु जहां तक मैं बाजार में देखता हूं और यहां पर कुछ आरोप लगातार लगते आ रहे हैं, हमने आपका सारा आरोपों पे आपके जवाब लिए हैं, आपसे सवाल किए हैं और आपने उनके जवाब दिए। मेरा एक सवाल और था कि बताया जाता है कि पुराने कांग्रेस को आपने दरकिनार करके और एक नई फौज खड़ी करी है, नई टीम खड़ी करी है, तो क्या अभी वर्तमान में पुरानी कांग्रेस नाराज है आपके साथ? अभी नगर की मीटिंग है और सारे पुराने जो कांग्रेस के लोग मेरे पिता तुल्य, मैं उनका बराबर आदर करता हूं और उनकी शर्म भी करता हूं, इसलिए मैं उनसे ज़्यादा नहीं मिल पाता हूं। समय समय पर उनसे मिलता रहता हूं, उनसे राय मशवरा करता रहता हूं। आज भी कोई पुराना कांग्रेसी ये नहीं कह सकता है कि मेरा एमएलए साहब ने कोई काम नहीं किया, मेरा मान सम्मान नहीं किया। आप जहाँ कहीं भी देख लो, मैं उनके हर समय हमेशा उनके लिए आधी रात को तैयार रहता हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और सभी तन मन धन से कांग्रेस के चुनाव प्रचार में लगेंगे। एक बार आपका नंदलाल जी मीणा जो यहाँ पे पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे हैं उनके सामने भी उनका आपका आमना सामना हुआ है, जब यहाँ पर वेलूराम जी कांग्रेस से खड़े हुए थे, आप भाजपा से खड़े हुए थे और बीजेपी से नंदलाल जी मीणा खड़े हुए थे और उनकी विजय हुई थी, तो ये नंदलाल जी के जो आपका चुनाव रहा था वो उसके बारे में कुछ बताएं। नंदलाल जी थे सक्रिय तब तक नंदलाल जी की राजनीति थी, आज नंदलाल जी मीणा जो काम उनके जीवन पर्यंत तक नहीं कर सके वो काम मैं प्रतापगढ़ जनता के लिए, प्रतापगढ़ के युवाओं के लिए कर चुका हूँ, प्रतापगढ़ के किसानों के लिए कर चुका हूँ। नंदलाल जी ने ये सपना नहीं देखा होगा कि प्रतापगढ़ का किसान कभी दिन में भी लाइट पानत कर सकता है। उनके टाइम पे रात की 4 बजे रात की 12 बजे लाइट आती थी, कड़ाके की ठंड में किसान पानत करता था और पानत करते करते कई किसान तो उस सर्दी के अंदर कड़क होकर मर जाते थे, कई किसान को सांप भी सुखा खा जाता है। मेरे कार्यकाल के अंदर आज किसानों को दिन में लाइट मिल रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, किसान इतना खुश है। तो निश्चित रूप से किसान खुश है तो किसान कभी पार्टी नहीं देखेगा। रामलाल मीणा अगर नाम आ गया वहाँ कांग्रेस बीजेपी बीटीपी कुछ भी हो, वो एक तरफा मेरे साथ में रह के मुझे जिताने का काम करेंगे। पिछली बार भी आपने भाजपा को हराया था, इस बार भी आप क्या रणनीति लेकर काम कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार आपका जो सामना था वो इन्हीं नंदलाल जी मीणा जो है कद्दावर नेता इनके बेटे हेमंत से था और इस बार भी इनसे ही वापस सामना है। हालांकि इस बार 4 प्रत्याशी लगभग मैदान में होंगे, परंतु जो मुख्य मुकाबला है भाजपा और कांग्रेस के बीच रहने वाला है, तो इसको किस तरह से निपटेंगे? देखो रणनीति जो है वो मेरे तक ही सीमित है, मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा वो आपको 3 तारीख को पेटियां खुलने के बाद पता पड़ेगा। और हेमंत मीणा जी जो है उनको जनता नकार चुकी है, क्योंकि वो प्रधान के पद पर रहे कुछ नहीं कर पाए, वो जिला प्रमुख के पद पर रहे कुछ नहीं कर पाए, तो अब वो एमएलए बन के क्या कर लेंगे? जब उनके पिताजी 35 साल तक कंटिन्यू एमएलए सांसद रहे मंत्री रहे, वो जनता का 1 रुपये का काम नहीं करा पाए, युवाओं को गाँटते नहीं थे, तो वो कैसे काम करा पाएंगे? लोगों ने तो उनको नकार दिया है, तो ही तो पहले हारे थे, इस बार फिर इन्होंने टिकट दिया है, तो हारे हुए को टिकट दिया फिर हारने के लिए दिया है, पहले 16,000 से हारे थे अब 50,000 से हारेंगे। तो हमारा लगभग इंटरव्यू का सिलसिला पूरा हो चुका है, मेरा एक सवाल हो रहा है कि एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस का जो ट्रेंड चलता आ रहा है उसको इस बार राजस्थान में किस तरह से बदला जाएगा? देखो माननीय मुख्यमंत्री जो राजस्थान के अंदर काम किए हैं, हर गरीब से लगाकर व्यापारी तक वर्ग तक हर व्यक्ति का जो काम किया है, योजनाएं जो इतनी शानदार आई है, उससे माननीय मुख्यमंत्री जी इस बार रिवाज पलट के प्रतापगढ़ की राजस्थान की जनता माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब को चौथी बार मुख्यमंत्री बनाएगी और ये सबके सामने जब जाहिर होता जा रहा है। तो ये थे प्रतापगढ़ विधायक रामलाल मीणा, जिन्होंने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया है और इन्होंने जो एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस का जो सिलसिला है वो मिथक अब टूटने वाला है इसको लेकर इन्होंने कहा है, और कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो नेतृत्व में ये विश्वास करते हैं, मुख्यमंत्री के खास सिपाही सलाहकार माने जाते हैं, इसके चलते इनको यहाँ पर टिकट मिला है और ये उसको जीत में बदल कर दिखाएंगे, ये प्रतापगढ़ विधायक का दावा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज राठौड़, कांटेल की आवाज़, प्रतापगढ़।